अपने विधायक आपके लोग अपने नेता भाई अंकल सोनकर जी जिले के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद मिश्रा जी सांसद जी साहब हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय राकेश सिंह क्योंकि जब आता हूँ यही लाते हैं मुझे करवा लो विकास की दृष्टि से ये कांच सा चमक जाए इसकी कोशिश लगातार हम लोग करेंगे अंचल सोनकर जी के रत्न ये बहुत बुझान विधायक है लगातार आप इस समस्याओं को उठाते रहते हैं। मैं दूर दूर तक जो मेरे बहन और भाई आज यहां दिखाई दे रहे हैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में जबलपुर शहर में 1693 करोड़ रुपए के विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराए। कांग्रेस के 50-60 साल की सरकार को देखें तो इससे कि हम युवा स्वरोजगार योजना में तो 10 लाख रुपए तक का लोन काम धंधा करने के लिए देंगे। कई बार बच्चे कहते थे बैंक जाते थे कि लोन दो। मेरे बहनों और भाइयों विकास के जितने काम सबकी चिंता करेंगे लेकिन केवल विकास से पेट नहीं भरता, जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आमदनी तो बढ़ानी पड़ेगी बहनों और भाइयों। वो तो बोलो बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि जब तक गरीब परिवारों की आमदनी भी ना बढ़े तब तक उनके बच्चों की जिंदगी नहीं बदल सकती। और इसलिए शिवराज का प्रण है एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ जनता की आमदनी बढ़ाने की कोशिश। और आमदनी बढ़ाने के 2 तरीका, नंबर 1 जो चीजें उनकी रोजमर्रा की जरूरत की है वो सस्ती मिल जाए, जैसे 1 रुपया किलो गेहूं मिल जाए, 1 रुपया किलो चावल मिल जाए, 1 रुपया किलो नमक मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती कि नहीं बताओ। इसलिए एक वो किया, दूसरे अस्पताल में सरकारी अस्पताल में दवाइयां फ्री मिल जाए और जांचें फ्री हो जाए तो इलाज का पैसा बच जाए। तीसरे अगर स्कूल बच्चे जाए तो किताबें मामा दिलवा दे, ड्रेस मामा दिलवा दे तो और खर्चा घट जाए। लेकिन इसके साथ साथ कैसे ज्यादा आमदनी आपकी बढ़े उसकी कोशिश भी मैं लगातार करता रहूंगा। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है, अच्छा बनाना है, हमारे बच्चों को बेरोजगार नहीं रहने देना है। अब आजकल मेरे दिमाग में एक ही चीज घूमती रहती कि कैसे बच्चों को रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा। इसलिए जबलपुर के आसपास उद्योग धंधे लेके लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र के जो कारखाने वो जबलपुर के आसपास खुले, खाद के निर्माण के कारखाने जबलपुर के आसपास खुले, यहाँ उद्योग और व्यापार बढ़े और अपने बच्चे भी छोटा मोटा उद्योग लगा लें। और उसके लिए हमने तय किया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और स्वरोजगार योजना में कि हम युवा स्वरोजगार योजना में तो 10 लाख रुपए तक का लोन काम धंधा करने के लिए देंगे। कई बार बच्चे कहते थे बैंक जाते थे कि लोन दो, तो बैंक कहते थे नहीं देंगे, पहले गारंटी तो लाओ, तुम्हारे माँ बाप कुछ गिरवी धर दे तो तुम्हें लोन देंगे। उनके पास कुछ था नहीं, मेरे पास आज मामा हमारे पास कुछ है नहीं, अगर होता तो लोन लेने काय को जाते। मैंने बैंक वालों की बैठक बुलाई और साफ कह दिया कि बैंक बच्चों को रोजगार के लिए लोन दो और लोन को वापस करने की गारंटी उनका मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कि जिसमें गरीब से गरीब का भी फायदा हो। हमारे पढ़े लिखे बच्चे अगर छोटे मोटे उद्योग डालना चाहते हो तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन और उसकी गारंटी भी सरकार लेने की काम करेगी। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हो तो पैसे को पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दूंगा मेरे बहनों और भाइयों। उसने मुख्यमंत्री युवा उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना जिसमें तय किया कि हमारे बच्चों का जो एजुकेशन लोन मिलेगा उसकी गारंटी भी मामा दिलवाएगा ताकि वो बड़ी क्लास में जाके अच्छी पढ़ाई भी कर सके। हमारे अनुसूचित जाति SC ST के बेटा बेटी कई बार शहरों में पढ़ नहीं पाते और कारण ये होता था कि हॉस्टल में जगह नहीं मिलती थी। हमने तय कर दिया है कि SC ST के जो बेटा बेटी शहरों में कमरा किराया कर लेके पढ़ेंगे तो कमरे का किराया उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, उनका मामा चुकवाने का काम करेगा समाज का कोई। सचमुच में इस कार्यक्रम में आके मैं बहुत प्रसन्न हूं, अंतरात्मा प्रसन्न है। बेटियां भगवान की अद्भुत प्रीति है और जब बेटियों के मैं पास आता हूं और छोटी बेटी को गोद में लेता हूं तो मुझे आभास होता है कि जैसे साक्षात देवी मां मेरी गोद में आ गई और हम
हमेशा मैं कहता हूं गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां, और अपने देश के लिए परंपराएं हैं। हम लोगों ने आज भी हजारों साल पहले कहा यत्र नारायण पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, भगवान के वहां निवास करेंगे जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। पिछले दिनों में जो कुछ परिस्थितियां बनी, भाव कुछ ऐसा बन गया, वातावरण कुछ ऐसा बन गया कि जैसे बेटा और बेटी में कुछ भेद करना चाहिए, धीरे धीरे ये बनी। प्राचीन इतिहास को देखे तो अगर आप देखेंगे किसी को राम को स्मरण करना है तो सीता के बिना काम नहीं चलेगा, बल्कि पहले सीता कहेगा बाद में राम कहेगा सीता राम। अगर शंकर जी की उपासना करनी है तो बिना पार्वती के काम नहीं चल सकता, बहुत ही शंकर। कृष्ण को पूजना है तो पहले राधा है, राधा की। और आप और आगे गहराई में जाकर देखें तो जब राजा जनक को अपनी बेटी का विवाह करना था जानकी का, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि दास दासी दूंगा, घोड़े दूंगा, स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, जो मेरी बेटी से विवाह रचाएगा। उन्होंने कहा कि जिसकी भुजाओं में ताकत है, दम है, जिस पर सामर्थ्य है, वो अपने सामर्थ्य का प्रकटीकरण करे और भगवान शिव के धनुष को उठाए और उसकी प्रत्यंचा को खींच के जाप चढ़ाए, उसी को अपनी बेटी जानकी को ब्याहूंगा। मतलब जिसमें सामर्थ होगी, सामर्थ का परिचय पुरुष को देना पड़ता है कि मैं योग हूं कि नहीं हूं। कभी कभी हमारे नारियों ने उसे मायने नहीं दिया। द्रौपदी का विवाह हुआ तो राजा द्रौपदी ने कहा कि चलता हुआ चक्र ऊपर होगा, नीचे तेल से भरा कड़ाव होगा, चक्र पर रखी मछली होगी, चक्र घूमता रहेगा, धनुर्धर तेल में देखेगा और तेल में घूमते हुए चक्र की परछाई देखे जो मछली लगती है उस मछली को जो भेज देगा उसको द्रौपदी को ब्याहूंगा। अगर क्षमता है तो पहले बताओ सामर्थ है। ये आज भी हजारों साल पुरानी परंपरा है। ये बीच में पता नहीं कैसे हो गया कि बेटा ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेटी कम महत्वपूर्ण है। मुझे चिंता हुई मुख्यमंत्री के पहले थे, मैं जब अपने गांव में देखता था माँ भेद करती थी बेटे से ज्यादा लाल बिटिया से कम क्या है। अच्छा बेटा खाएगा, बेटी बात है दूसरे से काम चल जाएगा, मानसिकता बनाने की कोशिश की जैसे बेटा श्रेष्ठ है, बेटी उतनी महत्वपूर्ण है। उसका दुष्परिणाम हुआ, धीरे धीरे सेक्स रेशियो बदलने लगा, बेटी ज्यादा पैदा होने लगी, बेटी कम पैदा होने लगी और स्थिति यहां तक बिगड़ गई कई राज्यों में कि कई राज्य ऐसे थे कि हजार बेटे तो 750-800 बीच में बेटियां पैदा हो। क्या बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है? क्या बेटियों के बिना सृष्टि का चक्र चल सकता है? बहनों और भाइयों, बेटियां हैं तो ही कल है, अगर बेटियां नहीं होगी तो ये दुनिया भी नहीं होगी, ये सृष्टि भी नहीं होगी। और जो बेटी बचाना है, बेटी बढ़ाना है, कई बार लोग कहते थे कि बेटा तो कुल का दीपक होता है, हमें गारंटी नहीं दे सकता बेटों, लेकिन मैं कसम खा के बेटों की बात नहीं कर सकता, लेकिन बेटों की मैं गारंटी ले सकता हूं कि जब तक वो जिंदा रहेगी उसकी एहसास माता और पिता के लिए चलेगी, बेटियां माँ बाप से ठीक है। और मैंने एक बात कही कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बेटा मैं बेटे को मैं अपनी नहीं मानता, लेकिन बेटियां जरूरी है, बेटियां बचाना भी, बेटियां बढ़ाना भी, बेटियां पढ़ाना भी। अभी परसों में लाड़ी लक्ष्मी योजना की समीक्षा कर रहा था, मुझे कहते हुए खुशी है कि 18 लाख से ज्यादा लाड़ी लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में बन चुकी है, 18 लाख से ज्यादा। पैसा उसके अलग ही नहीं बना रहे, 3,300 करोड़ रुपए अब तक लाड़ी लक्ष्मियों को एनएससी देने में हम खर्च कर चुके,
लेकिन बीच में समस्या आई तो एनएससी को घूमने उमने का खतरा रहता था, अभी अलग व्यवस्था कर रहे हैं कि एक बार दे दिया तो वही जिंदगी भर रहेगा। मैं क्या क्या बोल रहा था कि बेटियां जरूरी है, बेटी नहीं होगी तो दुनिया कैसे चलेगी, बेटियों को आने दो। तो एक बात खड़ी हो गई, भाषण तो फूट दे रहा है लेकिन बेटी की जब शादी होगी तो दहेज के इंतजाम का भैया क्यों करेगा, भाषण नहीं आ गया। हम मुझे लगा कि बात सही, केवल नारे से काम नहीं चलेगा, कुरीति भी दूर करनी पड़ेगी और बेटियों की जिंदगी में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे बेटी वरदान मिल जाए। इसलिए तय किया पैदा हो तो लाड़ी रखनी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल यूनिफॉर्म, बारहवीं प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गाँव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए साल 5,000 रुपया हो पाए। फिर तय किया और बड़ी हो जाए तो शादी की चिंता भी मत करना, मामा मुख्यमंत्री और भाई जी की शादी में कार्य छोड़ी जाने के स्थानीय निकाय के चुनाव में महिला सत्ता के सूत्र जब तक माँ बहनों के हाथ में नहीं दिए जाएंगे तब तक सही रखो में महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। अंध्या वहां पर जबलपुर में एक बेटी या बहनी बनेगी 50% रिजर्वेशन पार्षदों के चुनाव में, 50% रिजर्वेशन सरपंच जिला पंचायत के चुनाव में, जनपद पंचायतों के चुनाव में 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में और 30% रिजर्वेशन पुलिस की भर्ती में भी बेटियों के हाथ में डंडा देंगे तब बेटियों को चुनाव में लगाएंगे। महिला सशक्तिकरण के हर पहलू को छूने की कोशिश की, हमारी बेटियां पढ़े और आजकल तो पढ़ाई के क्षेत्र में आप देख रहे हैं बेटियां बेटों से आगे नहीं बहुत आगे निकल गई, जितनी गंभीरता से अध्ययन करती है वो सत्य में बेटों को सीखने के लिए, लेकिन ये बेटियां लगातार बढ़ती रहे इसके लिए समाज में वातावरण भी बनाना पड़ेगा। अकेले सरकार का काम ही है, सरकार और समाज का मिल के काम, सरकार की समाज की है। कई बार हम सोचते हैं कि सारा काम सरकार करेगी, लेकिन लोगों का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, दिमाग बनाने का काम सरकार ही समाज को करना पड़ेगा। और इसलिए सरकार और समाज मिलकर बेटी बचाओ अभियान चलाए, बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए। और मुझे खुशी है कि ऐसे जिम्मेदार नागरिक मेरे भाई बहन बैठे जिन्हें ये बीड़ा उठाने का फैसला किया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूं। समाज के लिए आगे आने लगा, समस्या बचेगी और हमारी यही बेटियां चमत्कार करेंगी। भारत को बनाने का काम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटियां भारत बना देंगी, बेटियां देश बना देंगी। मैं हिंदुस्तान का हूं, इस काम में आप सब सहयोगी बन रहे, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कई बार मन में आता है, तकलीफ भी होती, हम सब मिलके पूरी पूरी जो धारा है उसको तो नहीं बदल सकती। पाकिस्तान जो परसों घटना हुई हृदय विदा रही, कहां से कहां पहुंच गए, मानवता के प्रति क्रूरतम अपराध, क्या विद्वेष की अग्नि ने मासूम बच्चे बोलियों से छनी कर दिए जाएंगे, क्या वो फूल जो अभी खिले नहीं थे खिलने के पहले मसल दिए गए, इससे बड़ा पूरा अपराध क्या हो सकता है। ऐसे लोग जो किसी द्वेष की भावना से पीड़ित होके मासूम बच्चों को नहीं छोड़ते, और जो दृश्य हमने देखे हैं शत्रु में आत्मा रो देती है, वो इंसान कहराने के लायक नहीं है, वो वक्त से नहीं जानी चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला होगा, पूरी दृढ़ता के साथ होगा, और खुशी की बात है कि पाकिस्तान की बात अब समझ रहा है, उन बच्चों को भी श्रद्धांजलि। बच्चे भगवान के रूप होते, बच्चे फरिश्ते होते, बच्चे भविष्य होते, वही बच्चों का बचपन बर्बाद ना। मैं जिला प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूंगा, वो बच्चे जो कई बार स्टेशन पर मिलते हैं भीड़ मांगते मिल जाते हैं, पन्नी बीनते मिल जाते हैं,
कचरा कूड़ा उठाते मिल जाते हैं। मैंने कहा है उसके लिए धन की कमी नहीं है, ऐसे बच्चों को कन्वेंस करो, कन्वेंस करके हॉस्टल नहीं तो किराए के मकान में रखो, उनके भोजन की व्यवस्था, बस की व्यवस्था, पुस्तकों की व्यवस्था, उनकी जिंदगी को बर्बाद ना करो। उनकी जिंदगी बर्बाद होती है, समाज के लिए भी हो, फिर कष्टकारक हो जाते हैं, गलत चीजों में पड़ जाते हैं। सारे बच्चे आते हमारे बच्चे, हम बेटियों को भी बचाएंगे, हम बच्चों को भी बचाएंगे, इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन केवल सरकार ने, सरकार और समाज मिलकर ये काम करे और संस्कार धानी में इस प्यास को प्रारंभ किया है। मैं जानता हूं कि ऐसा शहर है जो इस मामले में प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है। आपका स्वागत, प्रशासन के मित्रों का, पुलिस की टीम का स्वागत, रिचा जी और उनके साथी हुए काम कर रहे हैं उनका स्वागत, और फिर एक बार जो मेंटर हैं जिन्हें जी दायित्व अपने हाथ में लिया उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और भाइयों को खूब लाड़, खूब प्यार, खूब आशीर्वाद, आगे बढ़ो, अनंत आसमान है लड़की उड़ान के लिए, आओ आसमान छू लो, सफल और प्रगति के पद पर आगे बढ़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आपकी उपस्थिति से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आपका पुलिस एवं प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, जिनकी बेटियों के प्रति संवेदनशीलता सर्वाधिक है, सर मैं आपको बताना है, शासन की है उनको भारत के बेटरिंग का कार्यक्रम है, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं एक छोटी बात सर आपको और बताना चाहती हूँ, शहर के प्रत्येक वर्ष मध्य मिलकर 120 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बनी थी, तिलवाड़ा से डुमना और गंगवाड़ी धुरे के उद्यास जोड़ रही है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं सर कि ये कार्यक्रम आपकी जो सोच है उस सोच से मैं आमंत्रित करती हूँ, बाल बदल करके उन बच्चों को जिन्होंने पेंटिंग बनाई है शक्ति रूप आती जो चाहते हैं कि आज मुख्यमंत्री आभारी हूँ राज्य मंत्री आदरणीय श्री शरद जी जैन के और सांसद महोदय बताएं, ऐसा मेरा सब आशा और विश्वास है। आपने इतने भीषण कांग्रेस की सरकार झेली, एक तरफ मनमोहन सिंह था, प्रदेश में दिग्विजय सिंह था, आपने इन दोनों को प्रदेश में देखा है, समझा है, इनकी महंगाई की मार झेली है, इनका भ्रष्टाचार, ऐसी सरकार नहीं रही जिसमें भारी भ्रष्टाचार ना हुआ हो, ऐसी कोई कांग्रेस की प्रदेश करें। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री के और हमारे लाडले सांसद माननीय राकेश, माननीय सांसद जी भी हमारे बीच में है, आपसे आग्रह है मंच पर स्थान ग्रहण करें। माननीय सुभाष सिंह जिंदाबाद, जिंदा पार्टी जिंदाबाद, माननीय जैसा कि आप सबको विदित है, माननीय अंचल भैया जहां का युद्ध एक माला से माननीय शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करेंगे, माने लेके आइए आगे, सिर्फ एक माले से स्वागत होगा और बाकी तुरंत कार्यक्रम में सभी नीचे उतर जाएंगे। इसके बाद लंबा का आगाज करते हैं हमारे बीच में माननीय शिवराज सिंह उपस्थित हुए हैं, फिर से नीचे उतरे बाकी लोग, हाथ पीछे पीछे ना पीछे ना जाएंगे।
अंचल भैया जिंदाबाद, अंचल भैया जिंदाबाद, अंचल सरकार जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, अंचल भैया जिंदाबाद, अंचल सरकार जिंदाबाद। ऐसा मेरा सब आशा और विश्वास है। आपने इतने भीषण कांग्रेस की सरकार झेली। एक तरफ मनमोहन सिंह था, प्रदेश में दिग्विजय सिंह था। आपने इन दोनों को प्रदेश में देखा है, समझा है, इनकी महंगाई की मार झेली है, इनका भ्रष्टाचार ऐसी सरकार नहीं रही जिसमें भारी भ्रष्टाचार ना हुआ हो। ऐसी कोई कांग्रेस की प्रदेश है, आपको देश की सांसद जी साहब, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय राकेश सिंह, क्योंकि जब आता हूं कहीं आते हैं मुझे विकास की दृष्टि से ये कांच सा चमक जाए इसकी कोशिश लगातार मिलकर हम लोग करेंगे। अंचल ये बहुत बुझारू विधायक है, लगातार आपकी समस्याओं को उठाते रहते हैं। मैं दूर दूर तक जो मेरे बहन और भाई आज यहां दिखाई दे रहे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में जबलपुर शहर में 1693 करोड़ रुपए के विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराए। कांग्रेस के 50-60 साल की सरकार को देखें तो इससे राशि भी कभी खर्चा नहीं किया। अपना जबलपुर बदल रहा है बहन और भाई, लेकिन इसे और तेजी से बदलना है और आने वाले 5 साल में देश के सबसे अच्छे शहरों में से अपने जबलपुर को एक शहर बनाना है। और उसमें भी ये पूरा विधानसभा, ये घनी बस्ती है, काफी घना इलाका है और इसलिए यहाँ की विकास की समस्या अलग है, उनके समाधान में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ सड़कों का निर्माण, यहाँ नालियों का निर्माण, यहाँ सीवेज का सिस्टम, यहाँ पार्कों का निर्माण, मेरे बहनों और भाइयों विकास के जितने काम सबकी चिंता करेंगे, लेकिन केवल विकास से पेट नहीं भरता, जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आमदनी तो बढ़ानी पड़ेगी बहनों और भाइयों। वो तो बोलो बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि जब तक गरीब परिवारों की आमदनी भी ना बढ़े तब तक उनके बच्चों की जिंदगी नहीं बदल सकती। और इसलिए शिवराज का प्रण है, एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ जनता की आमदनी बढ़ाने की कोशिश। और आमदनी बढ़ाने के दो तरीका, नंबर एक जो चीजें उनकी रोजमर्रा की जरूरत की है वो सस्ती मिल जाए, जैसे 1 रुपया किलो गेहूं मिल जाए, 1 रुपया किलो चावल मिल जाए, 1 रुपया किलो नमक मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती कि नहीं बताओ। इसलिए एक वो किया, दूसरे अस्पताल में सरकारी अस्पताल में दवाइयां फ्री मिल जाए और जांचें फ्री हो जाए तो इलाज का पैसा बच जाए। तीसरे अगर स्कूल बच्चे जाए तो किताबें मामा दिलवा दे, ड्रेस मामा दिलवा दे तो और खर्चा घट जाए। लेकिन इसके साथ साथ कैसे ज्यादा आमदनी आपकी बढ़े उसकी कोशिश भी मैं लगातार करता रहूंगा। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है, अच्छा बनाना है, हमारे बच्चों को बेरोजगार नहीं रहने देना है। अब आजकल मेरे दिमाग में एक ही चीज घूमती रहती कि कैसे बच्चों को रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा। इसलिए जबलपुर के आसपास उद्योग धंधे लेके लाने की कोशिश हम कर रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र के जो कारखाने वो जबलपुर के आसपास खुले, खाद के निर्माण के कारखाने जबलपुर के आसपास खुले, यहाँ उद्योग और व्यापार बढ़े और अपने बच्चे भी छोटा मोटा उद्योग लगा लें। और उसके लिए हमने तय किया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और स्वरोजगार योजना में कि हम युवा स्वरोजगार योजना में तो 10 लाख रुपए तक का लोन काम धंधा करने के लिए देंगे। कई बार बच्चे कहते थे बैंक जाते थे कि लोन दो, तो बैंक कहते थे नहीं देंगे, पहले गारंटी तो लाओ, तुम्हारे माँ बाप कुछ गिरवी धर दे तो तुम्हें लोन देंगे। उनके पास कुछ था नहीं, मेरे पास आज मामा हमारे पास कुछ है नहीं, अगर होता तो लोन लेने काय को जाते।
मैंने बैंक वालों की बैठक बुलाई और साफ कह दिया कि बैंक बच्चों को रोजगार के लिए लोन दो और लोन को वापस करने की गारंटी उनका मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कि जिसमें गरीब से गरीब का भी फायदा हो। हमारे पढ़े लिखे बच्चे अगर छोटे मोटे उद्योग डालना चाहते हो तो 1 लाख तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन और उसकी गारंटी भी सरकार लेने की काम करेगी। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हो तो पैसे को पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दूंगा मेरे बहनों और भाइयों। मुख्यमंत्री युवा उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना जिसमें तय किया कि हमारे बच्चों का जो एजुकेशन लोन मिलेगा उसकी गारंटी भी मामा दिलवाएगा ताकि वो बड़ी क्लास में जाके अच्छी पढ़ाई भी कर सके। हमारे अनुसूचित जाति SC ST के बेटा बेटी कई बार शहरों में पढ़ नहीं पाते और कारण ये होता था कि हॉस्टल में जगह नहीं मिलती थी। हमने तय कर दिया है कि SC ST के जो बेटा बेटी शहरों में कमरा किराया कर लेके पढ़ेंगे तो कमरे का किराया उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, उनका मामा चुकवाने का काम करेगा। समाज का कोई वर्ग, आज जो अपन पूरी लंबी सभा नहीं कर रहे उसका कार्यक्रम भी नहीं था, आज यहाँ केवल स्वागत का कार्यक्रम था, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों आपकी जिंदगी आसान हो और बच्चों का भविष्य बन जाए इसलिए मामा मुख्यमंत्री है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं एक बार फिर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि श्री अंकल सोनकर जी के नेतृत्व में ये क्षेत्र चहुमुखी विकास भी करेगा और हम सब मिलके अपने विकास के कामों के साथ साथ जिंदगी बेहतर हो इस बात की कोशिश भी हम लोग लगातार करते रहेंगे। आपसे मेरा यही निवेदन है कि लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, यही पार्टी है जो प्रदेश भी बनाएगी और जबलपुर भी बनाएगी। वैसे मेरी अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। सर इस समय महासदस्य अभियान चल रहा है, बोलिए आप सदस्य बनने के लिए तैयार है सब? अरे पीछे अपने मोबाइल पे मिस कॉल कर देंगे तो आपके पास खबर आएगी, संदेश मैसेज आएगा कि नाम पता लिख दो और वो नाम पता आप लिख देंगे तो आप सदस्य बन जाएंगे। है मोबाइल कौन कौन के पास है, हाथ उठाओ। ये सब नंबर पर